We are studying Ren and Martin, chapter number 9, in which we are solving exercise number 9. I have already made two parts. Now we are going to make third parts. So in this exercise, adjective is given. We have to use this adjective in a sentence. देखो इस कॉलम में हमें क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट एडजेक्टिव दिया वीक, V-E-A-K। वीक माने क्या होता है, कमजोर। एक वीक की स्पेलिंग होती है, ये भी होती है वीक मीन्स V-E-A-K। वीक माने क्या होता है, सप्ताह भी होता है। वीक मीन्स सप्ताह, मंडे मंडे ट्यूजडे जो होता है ना वो हमारा होता है वीक माने सप्ताह। यहाँ स्पेलिंग में ध्यान रखना, V-A-K, वीक माने कमजोर। डबल ई के होगा तो क्या हो जाएगा ये, जिसका मतलब होता है सप्ताह। तो यहां सेंटेंस में दिया हुआ है, कैसे यूज किया हुआ है, हिज आर्गुमेंट हैज मेनी वीक पॉइंट्स। आर्गुमेंट माने क्या होता है, बहस करना, तर्क करना। आर्गुमेंट माने क्या होता है, तर्क, तर्क करना या क्या करना, बहस करना। जब आप कोई आर्गुमेंट दे रहे हो, तर्क दे रहे हो, तो कह रहे हो उसमें को है बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कमजोर बिंदु हैं। इसका मतलब है हिज आर्गुमेंट, उसके तर्क में क्या है, बहुत सारे वीक पॉइंट हैं, वीक पॉइंट्स हैं। तो इसमें इस सेंटेंस में देखते हैं, देखो यहाँ पे हिज क्या है, हिज हमारा है पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या कर रहा है, पोजिशन शो कर रहा है। हिज हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। और आर्गुमेंट क्या है, नाउन है। आर्गुमेंट क्या हमारा यहाँ पर, नाउन है। ही पोजेशन हमारा आर्गुमेंट पर है, हमारा क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और हैज और हैव क्या होती है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये लेती है अपना ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी वीक पॉइंट्स, मेनी वीक पॉइंट्स का ये ऑब्जेक्ट है। इसको आप बोल सकते हो यहां से यहां तक, क्या बोल सकते हो आप, नाउन फ्रेज। क्या बोल सकते हो इसको, नाउन फ्रेज। क्या बोल सकते हैं इसको, नाउन फ्रेज, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं, तीन वर्ड हैं इसमें, इसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। अब इस नाउन फ्रेज में, इस नाउन फ्रेज में मेन जो नाउन हमारा क्या है, ये है पॉइंट्स, हमारा क्या है, नाउन है प्लूरल में। और वीक, वीक हमारा क्या भाई, वीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और मेनी भी क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्या, ये नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये। यह सेंटेंस इस तरह से है, हैंडसम माने क्या होता है, खूबसूरत। हैंडसम माने क्या होता है, खूबसूरत। जैसे ब्यूटीफुल होता है लेडीज के लिए यूज होता है, उस तरह हैंडसम क्या होता है, बॉय के लिए होता है। हैंडसम हस्बैंड बोलते हो ना, हैंडसम हस्बैंड, हैंडसम बॉय। तो यहाँ पर हैंडसम माने खूबसूरत से है। तो हैंडसम जो एडजेक्टिव है इसका यूज हुआ है इस सेंटेंस में, ही गेव हर हैंडसम प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स माने क्या होता है, उपहार, गिफ्ट। प्रेजेंट्स मीन्स उपहार या गिफ्ट। तो यहाँ की सेंटेंस में देखो क्या आ जाएगा, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और क्या है, थर्ड पर्सन है। और क्या है, ये सिंगुलर है। और सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्ट हमारा है गेव। गेव हमारी क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यहाँ देखो गेव हमारी क्या होती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी ये दो दो ऑब्जेक्ट ले सकती है, दो दो ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो यहाँ देखें दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा हर। ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ सी का क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। ही का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है, हिम होता है। तो इसी तरह से सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। और हैंडसम क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। प्रेजेंट्स हमारे क्या, उपहार, जिसका मतलब ये हमारा हो गया नाउन, हैंडसम प्रेजेंट्स। और ये हमारा जो है ना हैंडसम प्रेजेंट्स, ये चीज, ये हमारी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये दो ऑब्जेक्ट ले सकती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हर क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हैंडसम प्रेजेंट्स ये क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या, हैंडसम क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और प्रेजेंट्स क्या नाउन है। तो एक चीज और जानना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या फंडा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना
वो रिसीवर होता है किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीवर होता है किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब देखो यहां पर ही गेव, उसने दिया, क्या दिया भाई, हैंडसम प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स रिसीवर कौन है, हर, और हर क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है दो ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर कौन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर जो रिसीव करने कौन कर रहा है, हर। प्रेजेंट्स रिसीव कौन कर रहा है, हर, और वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही गेव हर हैंडसम प्रेजेंट, मतलब उसने उसे सुंदर उपहार दिए, उसने उसे सुंदर उपहार दिए, सुंदर गिफ्ट दिए, इस तरह से हो गया। अगली माने क्या होता है, अगली माने नॉट गुड। अगली मीन्स गुड का अपोजिट क्या होता है, अगली होता है। अगली माने नॉट गुड, या उसको सकते बस सूरत, नॉट मतलब अच्छा नहीं। अगली ही इज स्टेइंग इन अगली सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होती है, इसका सिंगुलर नहीं होता हमेशा, सराउंडिंग्स हमारा क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है। सराउंडिंग्स जो होती है हमेशा प्लूरल में होती है। सराउंडिंग क्या होती है, जहां आप रह रहे हो या कोई भी रह रहा है उसके पास आसपास का कैसा जो है एरिया है उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। आसपास का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। अब इस सेंटेंस में बता रहा है कि ही इज स्टेइंग, भाई वह रह रहा है, वह रुका हुआ है या वह रह रहा है, कहां पर रह रहा है, इन अगली सराउंडिंग्स। अगली माने क्या होता है, खराब। अगली मीन्स क्या होता है, खराब। खराब सराउंडिंग्स में, खराब सराउंडिंग्स में रह रहा है, वो खराब एरिया में रह रहा है। ही इज स्टेइंग इन अगली सराउंडिंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस में वो ही हमारा अगेन क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, पर्सन प्रोनाउन है, पर्सन प्रोनाउन में थर्ड पर्सन है, और क्या सिमिलर है, और क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। आपको इस तरह से हर वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, स्टेइंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, आईजी फॉर्म में लिखा हुआ। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट में सराउंडिंग्स है, और ये क्या नाउन है, और प्लूरल में लिखा हुआ सराउंडिंग्स। अच्छा एक चीज ध्यान दो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ सराउंडिंग्स है कि अगली भी है, अगली और सराउंडिंग दोनों ये मिलकर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या है, अगली और सराउंडिंग। तब जब अगली सराउंडिंग दोनों को बोलोगे तो इसको बोलोगे आप नाउन फ्रेज। क्या बोलोगे इसको, नाउन फ्रेज। उस नाउन फ्रेज को जब ब्रेक करोगे, उस नाउन फ्रेज को जब ब्रेक करोगे तो उसमें से जो अगली निकल के आएगा ना वो होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अब क्या होगा, क्वालिटी है तो अगली, लेकिन बता रहा है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छा अच्छा ही, गुड भी जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव है, जो गुड एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और बैड भी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी मतलब ये नहीं कि अच्छा अच्छा, बुरा भी हो सकता है। तो अगली जो है ना, अगली और सराउंडिंग मिलकर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट में चूंकि दो वर्ड है इसको बोलोगे नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज को ब्रेक करोगे तो उसमें अगली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और सराउंडिंग्स नाउन है। तो और ये मिलकर क्या बनाएंगे, जब इसको कंबाइन कर लोगे, इन, ध्यान सुनो, इन और अगली सराउंडिंग मिलकर एक फ्रेज बनाएंगे। इन और अगली सराउंडिंग मिलके एक फ्रेज बनाएंगे, क्या कौन सा फ्रेज बनाएंगे, ही स्टेइंग वेयर, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या बोलेंगे इसको, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ही इज स्टेइंग वेयर इन अगली सराउंडिंग। तो ये इन अगली सराउंडिंग क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रेज का, एडवर्ब ऑफ क्या होगा, फ्रेज, और कैसा बनाएगा, प्लेस का बताएगा, प्लेस मतलब ही इज स्टेइंग वेयर, वेयर से आंसर मिलेगा वो एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव है क्लेवर। क्लेवर माने क्या होता है, चालाक। क्लेवर मीन्स चालाक, तेज। इट वॉज क्लेवर ऑफ ड्राइवर टू अवर्ट ए ट्रेवल एक्सीडेंट। इट वॉज ए क्लेवर ऑफ ड्राइवर टू अवर्ट ए टेरिबल एक्सीडेंट। ट्रेवल माने क्या होता है यहाँ पर भाई, टेरिबल भी एडजेक्टिव है, टेरिबल माने होता है भयानक। ट्रेवल माने क्या हो जाएगा, भयानक। ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी। एक्सीडेंट हमारा क्या है, नाउन। ये हमारा क्या है, आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। इट हमारा क्या है, डमी सब्जेक्ट है, क्या डमी सब्जेक्ट है। वाज यहाँ पर मेन वर्ब है, क्लेवर क्या है, नाउन सॉरी एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ड्राइवर। ड्राइवर क्या है इसका, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। और टू अवर्ट,
टू और अबट एक ही साथ पढ़े जाएंगे, ये इन्फिनिटिव है, क्या है इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब होगा इट वॉज ए क्लेवर ऑफ ड्राइवर टू अवॉइड ए टेरिबल एक्सीडेंट, ये ड्राइवर की चालाकी थी कि एक भयंकर एक्सीडेंट को से बचा जा सका। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डल, डी यू डबल एल, डल माने क्या होता है लेजी, डल माने क्या होता है कमजोर, लेजी, इसका मीनिंग ये निकलती है। तो यहां पर दो कह रहा है इवन डल पीपल्स कैन अंडरस्टैंड हिज लेसन, डल माने क्या होता है जो दिमागी रूप से कमजोर होता है, मंद बुद्धि, उसको क्या बोलते हैं डल। तो इवन डल पीपल, पीपल माने क्या होते हैं शिष्य, पीपल माने क्या होता है हमारा शिष्य, पीपल माने शिष्य, गुरु शिष्य होता है ना, ये पीपल माने शिष्य होता है। डल माने क्या होता है कमजोर, कमजोर किस रूप से कमजोर हो भाई, दिमागी रूप से, किससे कमजोर हो दिमागी रूप से कमजोर हो, मंद बुद्धि। इवन माने यहां तक की, इवन माने यहां तक की, इसका मतलब क्या हुआ इवन डल पीपल कैन अंडरस्टैंड हिज लेसन, यहां तक कि मंद बुद्धि के लोग भी उसके उपदेश को समझ सकते हैं, उसके उपदेश को समझ सकते हैं। कैन अंडरस्टैंड व्हाट, देखो यहां पर कैन हमारा का मोडाल है, कौन हमारा, कैन हमारा का हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी है मोडाल है, मोडाल है, और अंडरस्टैंड ये मेन वर्ब है, अंडरस्टैंड व्हाट हिज लेसन, तो ये चीज हमारी ना ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं तो हिज हमारा क्या है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन शो कर रहा है, लेसन हमारा क्या नाउन है, कौन सा नाउन है कॉमन नाउन। यहां तक कि कमजोर या कमजोर दिमाग के या मंद बुद्धि शिष्य भी उसके लेसन को समझ सकते हैं, या उसका मतलब काइंड माने क्या होता है दयालु, काइंड माने क्या होता है भाई दयालु। तो ही इज ए वेरी काइंड मैन, यहां देखो ही इज ए वेरी काइंड मैन, वह बहुत दयालु आदमी है, दयालु आदमी है, हिंदी में तो है बोलते हैं भाई इज्जत देने के लिए। देखो इस सेंटेंस में ही हमारा क्या है, ही इज आवर सब्जेक्ट है, इज क्या है मेन वर्ब, ये हमारा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है इनडिफिनिट आर्टिकल है, और ये मैन हमारा नाउन है, और काइंड क्या है भाई, काइंड हमारा भी ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका क्वालिटी, काइंड हमारा क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसके लिए आया है मैन के लिए, और वेरी क्या है वेरी काइंड के लिए आया है, क्योंकि काइंड एडजेक्टिव है और काइंड को जो मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम एडवर्ब बोलते हैं, तो ये हो जाएगा वेरी क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, क्या हो जाएगा एडवर्ब, और एडवर्ब क्या होगा भाई काइंड के लिए आया, काइंड की डिग्री को बढ़ा रहा है, तो इसको बोलेंगे वेरी को एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट एडजेक्टिव हमारा दिया हुआ है क्रूएल, क्रूएल मीन्स क्या होता है निर्दयी निर्मम, क्रूएल मीन्स क्या होता है निर्दयी। तो यहां लिखा हुआ इसका सेंटेंस में वन शुड नॉट बी क्रूएल टू एनिमल्स, मतलब जानवरों के प्रति, जानवरों के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, जानवरों के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, जब इस तरह सेंटेंस होता है तो यहां लिखा था वन शुड, वन हमारा क्या है भाई यहां पर वन हमारा क्या है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है यहां पर इंडिफिनिट प्रोनाउन, वन शुड नॉट, वन हमारा क्या है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, शुड हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट क्या है भाई एडवर्ब ऑफ निगेशन, क्या है एडवर्ब ऑफ निगेशन, और बी यहां पर मेन वर्ब है, बी हमारी क्या यहां पर है मेन वर्ब, और क्रूएल क्या एडजेक्टिव है, क्रूएल क्या हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और टू हमारा क्या है भाई प्रीपोजिशन है, और एनिमल्स उसका ऑब्जेक्ट है, और क्या है नाउन है। तो वन इंडिफिनिट प्रोनाउन शुड हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, बी क्या मेन वर्ब है, क्रूएल क्या एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है, एनिमल्स क्या है नाउन है, और टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जानवरों तो जानवरों के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, इसे मतलब हेल्दी, हेल्थ जो हमारा, हेल्थ हमारा जो नाउन होता है उससे क्या बनता है एडजेक्टिव हेल्दी बनता है, तो हेल्दी हमारा इसका यूज किया है। दो ही इन 70 ही लुक्स क्वाइट हेल्दी, दो मतलब यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि वह 70 का है,
यद्यपि वह 70 का है, ही लुक्स क्वाइट हेल्दी, फिर भी वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता, फिर भी वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता, इसका मतलब यह होगा। तो दो हमारा क्या है ना, यहाँ पर देखो दो, ये सेंटेंस में देखो दो हमारे क्लॉज दिए हुए हैं, ही इज इन 70 और ही लुक्स क्वाइट हेल्दी। जब दो क्लॉज आ जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमें क्या होगा, कंजंक्शन इज मस्ट, कंजंक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है भाई। जब कोई 70 का हो जाएगा तो क्या हो जाए, जनरली क्या होती है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। 70 का हो जाए, 80 का हो जाए, 90 का हो जाए, तो उसकी हेल्थ क्या डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या विरोधाभास है भाई, वो 70 का तो हो गया लेकिन उसकी सेहत अभी भी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, तो विरोधाभास है, इसीलिए लिखा हुआ दो। दो हमारा क्या है, कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो ये कंजंक्शन हो गया हमारा, कौन हो गया, दो क्लास को जोड़ना है, इसलिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ी। और यहाँ पता ही देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा मेन वर्ब है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, यह 70 प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो नाउन है। 70 हमारा क्या होता है, देखो 70 हमारा क्या हो सकता है, 70 हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बोलते ना 70 स्टूडेंट्स। जब आप बोलोगे 70 स्टूडेंट तो 70 वहां पर क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 70 जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, एज ए नाउन ट्रीट हो रहा है। और इसमें तो क्लॉज में क्या, ही फिर अगेन सब्जेक्ट है, लुक्स क्या है हमारी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हेल्दी, ही लुक्स हेल्दी यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ एक क्वालिटी है, और क्वाइट क्या है, क्वाइट इसके लिए आया हुआ है, तो ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सेंटेंस इस तरह से हो गया। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मतलब जो पर्सन क्या हो, कर्तव्य का पालन करते हो, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीफुल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज ए ड्यूटीफुल एम्प्लॉई। एम्प्लॉई माने पता है आपको, कर्मचारी होता है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, एम्प्लॉई मीन्स कर्मचारी। तो ही इज ए ड्यूटीफुल एम्प्लॉई, तो ही देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, इज क्या हो गया मेन वर्ब, ये हमारा आर्टिकल हो गया, कौन सा आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल, और ड्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एम्प्लॉय क्या होगा, नाउन हो गया। और ये सब मिलके यहां से यहां तक ये बना रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बना रहे हैं भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है और या एडजेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव हमारा डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब क्या, डिस्टेंस से क्या बना है, डिस्टेंट बोलते हैं, डिस्टेंट विजन, डिस्टेंट व्यू, जो दूर से देखोगे तो क्या बोलोगे, डिस्टेंट व्यू, दूरी से रिलेटेड है ये। इसका यूज हुआ था, वी सा ए डिस्टेंट व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय जो माउंटेन है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ इस सेंटेंस में लिखा वी, देखो वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, और सा यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिटिव लिखा हुआ है। तो वी सा व्हाट व्यू, व्यू हमारा क्या है यहाँ पर, नाउन है, नाउन क्यों होगी, आर्टिकल आया हुआ ये। और ये डिस्टेंट किसके लिए, डिस्टेंट एडजेक्टिव है, डिस्टेंट का हमारा एडजेक्टिव है, और किसके लिए आया, व्यू के लिए आया। तो वी सा ए डिस्टेंट व्यू, वी सा व्हाट, ये डिस्टेंट व्यू, और ये ऑफ प्रीपोजिशन है, माउंट एवरेस्ट क्या है, इसका नाउन है, और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, माउंट एवरेस्ट इज प्रॉपर नाउन। तो ऑफ प्लस प्रीपोजिशन, ऑफ प्लस प्रीपोजिशन, देखो इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। यानी जब प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद उसका नाउन का आना मस्ट है, नाउन या प्रोनाउन का आना मस्ट है। तो जब ये दोनों आते हैं, केमिस्ट्री बनाते हैं, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या एडवर्ब फ्रेज। कैसे बनाते हैं, देखो इसको तो बोलोगे प्रीपोजिशन, इसको तो बोलोगे माउंट एवरेस्ट को नाउन, लेकिन जब दोनों को एक साथ बोलोगे ना, एक साथ जब बोलोगे, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा। कभी कभी नाउन फ्रेज भी होता है, लेकिन ये 99% चांस या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा। अब ये कैसे पता लगा कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है, अगर ये नाउन से रिलेटेड होगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और अगर ये वर्ब से रिलेटेड होगा, एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा,
ठीक है, या अनदर एडवर्ब से लीड होगा तो क्या कहलाएगा ये एडवर्ब फ्रेज। लेकिन यहां पे देखो ये व्यू है, ये व्यू के लिए आया है, ये क्या है व्यू के लिए आया है। तो ऑफ माउंट एवरेस्ट ना एक फ्रेज बना रहा है, कौन सा फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज। ये व्यू किसका है भाई, व्यू है माउंट एवरेस्ट का, ऐसा नहीं कि व्यू व्यू ऑफ रिवर है, व्यू ऑफ सम स्कूल है, ऐसे नहीं। यहां पर किसका आ रहा है व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है व्यू को, इस तरह से सेंटेंस में लिखा हुआ सर्टेन। देखो आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑन सर्टेन कंडीशन, सर्टेन माने कुछ शर्तों, सर्टेन माने क्या होता है कुछ, और कंडीशन माने शर्तें होती हैं। तो मैंने आई एक्सेप्ट, मैं ऑफर को स्वीकार करता हूं कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ मैं ऑफर को स्वीकार करता हूं। देखो यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट, एक्सेप्ट क्या हो गया हमारा वर्ब, क्या हो गई मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एक्सेप्ट व्हाट द ऑफर, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है और क्या है ऑब्जेक्ट है। आई एक्सेप्ट व्हाट द ऑफर, हाउ भाई ऑन, ऑन यहां पर पोजिशन है, और कंडीशन और सर्टेन कंडीशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है और सर्टेन क्या है एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है। और इन दोनों मिलके बनाए अगेन फ्रेज बनाएंगे तो यहां पर क्या है आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑन सर्टेन कंडीशन, ये बनाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज, क्या बनाएगा ये हमारा एडवर्ब फ्रेज। चलो ये एक्सरसाइज 9 आज फिनिश हो गई।